हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी यूपी की कला होती है, यूपी आर्ट होती है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन कलाकारों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक दो क्या मतलब ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो चित्र होते हैं, चित्रों से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसमें आपके सभी चित्रकार देखेंगे और उन चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सारे चित्रों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, या फिर एक काम कीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक नोट्स मतलब बना लीजिए, एक कागज़ में लिख लीजिए और उसको अपने आसपास रख लीजिए। दिन भर 2 से 3 बार देख बस लिया करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय चित्रकार और उनकी कृतियों की क्लास को। ठीक है, और ये एक वीडियो होगी, एक ही वीडियो में आपको सारे चित्रकार और उनके जो चित्र हैं अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चाहे वो समीक्षावादी हो, चाहे जो भी हो, सभी को एक साथ हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ रहे हैं आपके कौन, असित कुमार हलदार। ठीक है, तो असित कुमार हलदार के विषय में जितने भी चित्र बनते हैं, जितने भी इन्होंने बनाए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कुणाल। क्या याद रखना है? कुणाल। पूछा जाएगा कुणाल चित्र किसका है, तो असित कुमार हलदार का है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपसे जगई मगई। क्या पूछा जाएगा? जगई मगई। ठीक है, ये भी इन्हीं का चित्र है। आगे चलेंगे तो चौराहे पर। क्या है? चौराहे पर। ठीक है, आगे चलते हैं नमाज। ये सारे चित्र किसके हैं? असित कुमार हलदार के हैं। आपसे पूछ ले कुणाल, जगई मगई, चौराहे पर, नमाज, किसके चित्र हैं? सभी असित कुमार हलदार के हैं। अभी और भी हैं कुछ, वो है पहले आगे आते हैं तो रहस्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और है सह अस्तित्व, मतलब इनमें से कोई भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, आपको याद रखना है ये किसके चित्र हैं, ये सभी असित कुमार हलदार के हैं। ठीक है, एक और पूछा जाता है अकबर एक महान निर्माता। क्या है? अकबर एक महान निर्माता। एक बार लिख लीजिएगा अपने हाथ से तो आपको याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, एक बार अपने हाथ से लिखने की कोशिश करिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने ये लिखा है, क्योंकि लिखी हुई चीजें याद रहती हैं। नेक्स्ट है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जो है व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? ये भी असित कुमार हलदार ने बनाया है। ठीक है, तो जितना आपने स्क्रीन पर देखा इसको आपको रट के रखना है। फिर से सुन लीजिए, कुणाल, जगई मगई, चौराहे पर, नमाज, रहस्य, सह अस्तित्व, अकबर एक महान निर्माता, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र। तो ये सब किसके हैं? असित कुमार हलदार के प्रमुख चित्रों में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल से रट के रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके कौन, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। ठीक है, कौन आते हैं? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र है, सबसे पहले देख लीजिए रासलीला। क्या है? रासलीला। क्या है? रासलीला है, और ये बनता है 1926 में बनता है। ठीक है, कब बनता है? 1926 में बनता है, याद रखना है, और नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पालित मृग। क्या है? पालित मृग। ठीक है, ये भी इन्हीं का है। आगे बढ़ेंगे, पूछा जाता है राधा। राधा चित्र किसका है? ये भी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है, और ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक, आगे चलते हैं, तो पूछा जाता है कि गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? कौन सी? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला, ये किसकी है? ये भी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो आगे पूछा जाएगा बालक ध्रुव की तपस्या। क्या है? बालक ध्रुव की तपस्या, ये भी किसका चित्र है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है। आगे चलते हैं,
चैतन्य का ग्रह त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहे हैं इसको बिल्कुल से रट लीजिए और एग्जाम के पहले पढ़कर जरूर जाइएगा। क्या है चैतन्य का ग्रह त्याग? ठीक है, इसको कहाँ संग्रहित किया गया है? वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, तो चैतन्य का ग्रह त्याग हो गया, बालक ध्रुव की तपस्या हो गई, गीत गोविंद चित्र श्रृंखला हो गई, राधा पालित मृग और रासलीला, ये सब किसके हैं? सॉरी, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आएंगे आपके कलाकार कौन है देख लेते हैं। चलिए, हाँ, अब आते हैं बीरेश्वर सेन के बाद। अब बात करते हैं बीरेश्वर सेन की, तो इनके चित्र देख लेते हैं। तो इनके ज्यादा नहीं है, बस दो तीन याद रखिए केवल। पहला है आत्मबोध, क्या है? आत्मबोध है। ठीक है, दूसरा चित्र का नाम है पुनर्जीवन, क्या है? पुनर्जीवन है। ठीक है, तीसरा चित्र है इनका प्रकाश का आवाहन, इंपॉर्टेंट है ये सारे चित्र याद रखना है, क्या है? प्रकाश का, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, प्रकाश का आवाहन। आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा अछूती हिमशिलाएं, क्या है? अछूती हिमशालाएं, क्या है? अछूती हिमशालाएं। आगे चलते हैं, पूछा जाएगा स्नानार्थी किसका है? स्नानार्थी किसका है? तो ये भी आपके बीरेश्वर सेन का है। आगे बढ़ेंगे तो तीर्थ यात्री पूछा जाता है, और भी हैं काफी सारे, तीर्थ यात्री हो गया, ये भी किसका चित्र है? ये भी बीरेश्वर सेन का है। और एक और है योद्धा और संत, क्या है? योद्धा और संत, ये किसके हैं? ये जितने भी हैं बीरेश्वर सेन के हैं। कौन कौन से हैं, इनकी ट्रिक भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे ट्रिक की। पहले आप लोग एक साथ पहले पूरे कलाकारों को देख लीजिए एक ही क्लास में। ठीक है, तो क्या है? आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशालाएं, स्नानार्थी, तीर्थ यात्री, योद्धा और संत। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ। चलिए, नेक्स्ट है आपके ललित मोहन सेन। इनके चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है इनका चित्र? स्नान ग्रह, क्या है? स्नान ग्रह है, जो कि वॉश वॉश माध्यम में बनता है। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, कौन से माध्यम में? वॉश माध्यम में। ठीक है, स्नान ग्रह। दूसरा आता है आपका पनिहारिन, क्या है? पनिहारिन, पनिहारिन जो है ये मोनोक्रोम में बनता है। कैसा चित्र है ये? मोनोक्रोम, मोनोक्रोम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है ग्राम दृश्य, क्या है? ग्राम दृश्य, ये लीनोकट माध्यम में बनता है। कैसे बनता है? लीनोकट माध्यम में बनता है। आगे आगे है पतझड़, क्या है? पतझड़ है। ठीक है, याद रखना है, पतझड़ हो गया, और यहीं लिख लीजिए चिंतन, क्या है? पतझड़ हो गया, चिंतन हो गया, और एक और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, बालिका। पूछा जाता है कि बालिका को पेन और पेंसिल के माध्यम में किसने बनाया है, मतलब पेन और पेंसिल के सहायता से किसने बनाया, पूछा जाता है। आंसर होगा आपका ललित मोहन सेन। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, स्नान ग्रह वॉश में बनता है, पनिहारिन मोनोक्रोम में, ग्राम दृश्य लीनोकट में, पतझड़ चिंतन, बालिका पेन पेंसिल में बनता है। तो ये ललित मोहन सेन थे, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट कलाकार कौन है उनको देख लेते हैं। चलिए, अब देखते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर को। ठीक है, ये हिंदू वैद्य हैं। अब इनको समझते हैं, प्रसिद्ध चित्र इनके कौन कौन से हैं। इनके तीन से चार चित्र हैं और बिल्कुल जहर टाइप के हैं, तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए आप लोग, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका आदिवासी नृत्य, क्या है? आदिवासी नृत्य हो गया।
तीसरा चित्र का नाम है बाउल डांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखने हैं आपको, ज्यादा नहीं, तीन याद रखिए इंपॉर्टेंट जो है। ये चित्र श्रृंखला है, जो बाउल डांस है ना, ये चित्र श्रृंखला है, याद रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तीन देखे, बाउल डांस, आदिवासी नृत्य और रवीन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र। ठीक है, तीनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है प्रणय रंजन रॉय। कौन है? प्रणय रंजन रॉय है। इनके चित्र देख लेते हैं, तो इनके भी ज्यादा नहीं, केवल दो याद रखिए, पहला एंड दूसरा। पहला क्या है? द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक, ये बनता है वॉस एंड टेम्परा माध्यम में। कैसे बनता है? अरे, वॉस एंड टेम्परा माध्यम में बनता है, याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गुजरता बसंत। क्या है? गुजरता बसंत। ठीक है, और ये बनता है, ये भी वॉश एंड टेम्परा माध्यम में ही बनता है, मतलब दोनों जो है ये चित्र बनते हैं एक ही माध्यम से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लिख लिख कर पढ़ना है, बार बार बोल रहे हैं, लिख लेना। एक बार अपने हाथ से लिख लोगे तो कम से कम आपके दिमाग में छाप बनी रहेगी कि हाँ, हमने लिखा था, ये हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि ये चित्र किसका है। ठीक है, चलिए, अरे प्रणय रंजन रॉय हो गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कलाकार, आपके हरिहर लाल मेड़। ठीक है, इनके चित्र तीन चित्र हैं, चार चित्र हैं इनके, उनको पढ़ लीजिए। तो पहला आता है इनका मेघदूत श्रृंखला। क्या है? मेघदूत श्रृंखला है। ये किस में बनी है? ये वॉश पद्धति में बनी है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा चित्र बेहद इंपॉर्टेंट है, दूसरा है वीड़ा बजाती स्त्री। क्या है? वीड़ा बजाती स्त्री। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा लिखिए, तीसरा है संदेश भेजता यक्ष। क्या है? संदेश भेजता यक्ष है। देखिए, वीड़ा बजाती स्त्री बोल दे या फिर वीड़ा बजाती यक्षिणी बोल दे, आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, हाँ, चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष। अरे, क्या है चौथा? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष है, जो कि जिसकी माप है 38x28। ठीक है, ऐसे याद रखनी है। अब ये बात हो गई हरिहर लाल मेड़ की, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ। तो नेक्स्ट कलाकार कौन है देख लेते हैं। ये हैं ब्रजमोहन नाथ जिज्जा। ये सारे उत्तर प्रदेश के कलाकार चल रहे हैं, और कलाकारों ने जितने चित्र बनाए हैं उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जितना पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ब्रजमोहन नाथ जिज्जा के बारे में देख लेते हैं। तो इनके दो ही, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके चित्र, दो ही आप देख लीजिए। पहला है आरती, जो कि वॉश माध्यम में बनता है, वॉश पद्धति में। ठीक है, दूसरे हैं अल्मोड़ा, मतलब दूसरा जो चित्र है अल्मोड़ा बाजार, ये दृश्य चित्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो आपको ब्रजमोहन नाथ जिज्जा के याद करने हैं। देखिए, चित्र बहुत सारे हैं, अगर बैठा जाए तो जाने कितने लोगों ने चित्र बनाए हैं, एक कलाकार ने जाने कितने चित्र बनाए हैं, कम से कम 100-150-200 चित्र बनाए हैं। लेकिन 100-150-200 नहीं पढ़ने हैं, केवल उतने सिलेक्टेड पढ़ने हैं जितने से अपना एग्जाम निकल जाए, अपना काम हो जाए। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वे में, बहुत शॉर्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट ही है, बिल्कुल मक्खन वाले हैं, उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ब्रजमोहन नाथ जिज्जा पढ़ लिया, आगे नेक्स्ट है सुखबीर सिंघल। इनके देख लेते हैं, तो इनके कौन है? पहला कृष्ण और अर्जुन। कौन है? कृष्ण और अर्जुन हो गया। ठीक है, दूसरा चित्र है इनका, इंपॉर्टेंट है इनके बहुत। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, कौन है? गुरु द्रोणाचार्य है। तीसरा है सरिता। ठीक है, फिर है
अभिसारिका, सरिता अभिसारिका हो गया। और यहीं लिख लेते हैं रात दिन भी इन्हीं का चित्र है, क्या है रात दिन हो गया। और लिख लीजिए दरिया मिलन, दरिया मिलन भी इन्हीं का है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, दरिया मिलन हो गया और रात दिन हो गया, सरिता अभिसारिका। और हाँ, बारात देखने वाली महिलाएं, ये पूछा जाता है बारात देखने वाली महिलाएं, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट, राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ, किसको, राम लक्ष्मण सीता को विदा देते, कौन विदा देते, दशरथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो और लिख लीजिए, और एक और है अर्जुन विवाह, क्या है अर्जुन विवाह भी इन्हीं का चित्र है। ठीक है, याद रखना है, और बस इतने ही। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, कृष्ण और अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, सरिता अभिसारिका, बारात देखती महिलाएं, राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ, और अर्जुन विवाह है। ठीक है, और दरिया मिलन हो गया, रात दिन, ये सब किसके हैं, सुखबीर सिंघल के चित्र हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कौन आते हैं, विश्वनाथ मुखर्जी आते हैं। कौन आते हैं, विश्वनाथ मुखर्जी आते हैं। अब इनके चित्र देख लेते हैं, तो इनके चित्र का नाम है मून ऑन कंक्रीट, इंपॉर्टेंट है, क्या है मून ऑन कंक्रीट, किस माध्यम में बनी है, वॉश माध्यम में। ठीक है, और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में इसको रखा गया है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्या है नेक्स्ट, चांद पूछा जाता है, चांद चित्र किसका है, मुखर्जी का है। ठीक है, आगे है रीडिंग, एक स्त्री मतलब पुस्तक पढ़ते हुए है, रीडिंग है चित्र, ये भी इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सीताज फायर ऑर्डियल, सीताज फायर ऑर्डियल। ठीक है, तो ये सब चित्र किसके हैं, चार चित्र हैं विश्वनाथ मुखर्जी के हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं द्वारिका प्रसाद धूलिया, ठीक है जिसे हम डीपी धूलिया बोलते हैं। इनके तीन चार हैं, पहला है झंझा, चित्र का नाम क्या है, झंझा है, और दूसरा है प्यासा, क्या हो गया झंझा, दूसरा हो गया प्यासा, तीसरा हो गया गांव की लड़की, क्या है गांव की लड़की। ठीक, ये द विलेज ऑन गर्ल इंग्लिश में भी दे सकता है, इंग्लिश में लिख के दे देगा द विलेज ऑन गर्ल या फिर गांव की लड़की, तो इसको जो है ना इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित किया गया है, लिख दें यहीं पर, कहां पर, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। ठीक है, और चौथा आता है आपका चित्र बेहद इंपॉर्टेंट, पहाड़ी पुल, कौन सा है पहाड़ी पुल, इसको भी इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ, इनको भी समझ लेते हैं, आते हैं मदन लाल नागर, बेहद इंपॉर्टेंट है, और इनके चित्रों का जो संग्रह है ना राजभवन लखनऊ में है, और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में भी है, और मसूरी में भी, मतलब इनके जो संग्रह है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, इनको हम जब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में तब समझा देंगे। चलिए, और ये पता है ये जो सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन, ये सब जो उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखे हैं ना, इन्हीं के बड़े भाई हैं मदन लाल नागर, मतलब मदन लाल नागर के ही बड़े भाई हैं, कौन, अमृतलाल नागर। ठीक है, चलिए तो मदन लाल नागर को देख लेते हैं, इनके चित्र कौन कौन से हैं। पहला है मनुष्य का मायाजाल, क्या है मनुष्य का माया जाल। ठीक है, यहां हो गया पहला। दूसरे पे देखते हैं, दूसरा चित्र इनका आता है पुराना शहर, क्या नाम है उनका, पुराना शहर। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्र का नाम पलाश वन, पलाश जैसे हम टेशु बोलते हैं ना वही, तो पलाश वन हो गया। नेक्स्ट जो चित्र है इनका वो है सिटी स्केप, इंपॉर्टेंट है ये, शायद एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, किसी ईयर पे आया है, देख लीजिएगा सिटी स्केप किसका चित्र है, ये पूछा जा चुका है, याद रखना है। फिर है त्रासपूर्ण शहर, क्या है त्रासपूर्ण शहर हो गया, ठीक है यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, आगे है गणेश गली, क्या नाम है गणेश गली, ठीक है। आगे चलते हैं लखनऊ शहर का चित्र, बहुत इसका इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिख देते हैं यही लखनऊ शहर का चित्र, लखनऊ शहर का चित्र ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत पूछा जाता है इनका ये वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो पूछा जाता है आपसे अब कौन, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ला जाते हैं, ये समीक्षावादी चित्रकार हैं, ठीक है। अब इनके कुछ जो चित्र हैं इनको देख लेते हैं फटाफट से, चलिए चलिए इनके चित्रों में सबसे पहले आता है दंगाई छात्र, जैसे आप लोग हैं दंगा फसाद करने वाले है ना, वैसे ही तो दंगाई छात्र इसमें कौन आते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दूसरा चित्र प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारी का, क्या है चित्र का नाम प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारी का, ठीक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर तीसरा है बारात, क्या है बारात हो गया चित्र, पूछा जाता है महालक्ष्मी किसका है, महालक्ष्मी ये भी इन्हीं का है। और फिर है कागज की नाव, क्या है कागज की नाव भी इन्हीं का चित्र है। और आपातकाल पूछा जाता है, आपातकाल इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपातकाल, ठीक है आपातकाल हो गया। अंतिम भोज हो गया, पूछा जाता है अंतिम भोज, अंतिम भोज। फिर आगे आगे पश्चाताप, यहां लिख देते हैं ठीक है, जगह नहीं है तो क्या है पश्चाताप हो गया। एंड फिर लिखिए पराजय की पीड़ा, क्या है पराजय की पीड़ा, यहां तक क्लियर हुआ। आगे है मौत की आंखें, क्या है मौत की आंखें, ठीक है। तो ये जो चित्र हैं एक बार सुन लीजिए फिर से, दंगाई छात्र प्रेम प्रसून और पहाड़ी अभिसारिका, बारात महालक्ष्मी कागज की नाव, आपातकाल अंतिम भोज, पश्चाताप पराजय की पीड़ा, मौत की आंखें, ये सब चित्र किसके हैं रामचंद्र शुक्ल के हैं, ठीक है याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने जानवरों और पक्षियों के माध्यम से जो तात्कालीन यहाँ पर बुराई है जो फैली हुई है उनकी तरफ इशारा करते हुए इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया है जिसका नाम है कुर्सी में संकट। क्या है नाम उसका, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कलर से चेंज करके लिख देते हैं, कुर्सी में संकट इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है कुर्सी में संकट, ठीक है ये चित्र है। और इस चित्र में एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है, ठीक है याद रखना है, मतलब क्या बोलते हैं कि चित्र का नाम है कुर्सी में संकट और इसमें क्या दिखाया गया है उल्लू को कुर्सी पर बैठाया हुआ दिखाया गया है। और पृष्ठभूमि में 12 उल्लू जो उल्लू होते हैं पीछे, मतलब पीछे की तरफ उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है जो आज की रणनीति पर सटीक प्रहार करती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है बता दिया है कि एक उल्लू कुर्सी पर बैठा है और पीछे जो उल्लू बैठे हैं वो तार पर बैठे हुए हैं और ये आज की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। तो ये चित्र हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है असद अली। अब इनके प्रसिद्ध कोलाज हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है इनको समझते हैं। तो पहला है सन, पूछा जाता है सन चित्र किसका है, एक सेकेंड चलिए, अरे
चलिए ठीक है, सन पूछ लेगा, द लास्ट सपर पूछ ले, द लास्ट सपर पूछ ले, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछेगा युगल, लवर और क्या पूछेगा, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ पूछेगा, लिख देते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड लाइंस एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, ये याद रखना है। और फिर दूसरा है टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स हो गया, एक और लिख लीजिए, मून थ्रू द वुड, क्या है, मून थ्रू द वुड, ठीक है। तो पहला हो गया आपका सन, दूसरा हो गया द लास्ट सपर, तीसरा हो गया युगल, चौथा हो गया लवर, पांचवा हो गया मून थ्रू द वुड, और छठवां हो गया आपका ये, और सातवां हो गया टू सिस्टर्स, ठीक है। तो ये सब, ये जो प्रसिद्ध कोलाज है किसने बनाए हैं, असद अली ने बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है। इसको इनको याद रखिएगा कि ये लेखक भी थे, कवि भी थे, चित्रकार भी थे। कौन थे ये, लेखक भी थे, कवि भी थे, चित्रकार भी थे, तीनों थे, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। अब इनके कुछ ही चित्र हैं, दो से तीन, इनको देख लेते हैं जगदीश गुप्त के। तो दीप है, या फिर दीप शिखा बोल दीजिए, दीप या फिर दीप शिखा बोल दीजिए, चित्र श्रृंखला है, ठीक है। इसमें महादेवी वर्मा का चित्रण किया गया है, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी व्यक्ति चित्र बनाया है इन्होंने, किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र, ठीक। चलिए, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, लिख देते हैं महादेवी वर्मा का, ठीक, समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल जी जान से समझा रहे हैं आपको, हर पॉइंट यहाँ आपको एग्जाम में नंबर दिलाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पे, तो नेक्स्ट आते हैं रणवीर सिंह विस्ट, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। कौन है रणवीर सिंह विस्ट, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। पहला है ब्लू सीरीज, जितने भी हैं बिल्कुल धमाकेदार हैं, कम हैं लेकिन बहुत। ब्लू सीरीज में गढ़वाल हिमालय से प्रेरित चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। आगे आगे है नगर दृश्य श्रृंखला, क्या है, नगर दृश्य श्रृंखला हो जाएगी। फिर आगे नाइट चित्र श्रृंखला है, नाइट नाइट चित्र श्रृंखला हो गया, ठीक, क्लियर है। दूसरा हो गया, तीन हो गए, और एक और है, तीन और हैं। पहला हो गया यौवन हो गया, ठीक है, ये भी नहीं कहा है। और लखनऊ शहर की बाण, लखनऊ शहर की, लखनऊ शहर की बाण हो गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। और पूछा जाता है आगे लास्ट, मतलब लास्ट क्या, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय गणराज्य के काले पन्ने, क्या है नाम, भारतीय गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के काले पन्ने, ठीक है, याद रखना है। तो किसके चित्र हैं ये सब, रणवीर सिंह विस्ट के हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, किसको, भारतीय गणराज्य के काले पन्ने, ठीक है। तो यहाँ इनके चित्र हो गए, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कौन आते हैं देख लेते हैं, हाँ नेक्स्ट है नित्यानंद महापात्र, ठीक है। इनका चित्र है पहला काल ऑफ यूनिटी, काल ऑफ यूनिटी मतलब, कॉल ऑफ यूनिटी मतलब एकता की पुकार, ठीक है। फिर दूसरा है शिव श्रृंखला, क्या है, शिव श्रृंखला, ठीक, और इस ये वॉश माध्यम में बना है। फिर नेक्स्ट है कृष्ण लीला, क्या है, कृष्ण लीला है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं उमर खय्याम श्रृंखला है, क्या है, उमर खय्याम श्रृंखला
भीनी का है, ठीक है। और सागर श्रृंखला हो गई, कौन सी? सागर श्रृंखला हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे और हैं, एक दो तो और हैं। भिक्षुक परिवार क्या है? भिक्षुक परिवार ये आपका जल रंग माध्यम में बना है। कैसे बना है? जल रंग माध्यम में बना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। बद्रीनाथ आर्य, इनका जो चित्र है, पहला है सांवरी, क्या नाम है? सांवरी, जो कि वॉश माध्यम में बना है और इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। फिर दूसरा है इनका गंगावतरण, गंगावतरण, ठीक है, अरे गंगावतरण, अरे गंगावतरण हो गया। फिर है लंका दहन, क्या है? लंका दहन है। और नेक्स्ट आता है फिर खेत की ओर, क्या है? खेत की ओर। फिर जीवन और कॉरिडोर्स, जीवन और कॉरिडोर्स, ठीक है, कॉरिडोर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर है उदास शहर, उदास शहर हो गया। और फिर है पेड़ की छांव में, पेड़ की छांव में। और एक और है अत्याचार, ठीक है। तो ये किसके चित्र हैं? बद्रीनाथ आर्य के। एक बार सुन लीजिए, सांवरी वॉश माध्यम में बनता है, इलाहाबाद संग्रहालय में है, गंगावतरण, लंका दहन, खेत की ओर, जीवन और कॉरिडोर्स, और फिर है उदास शहर, और फिर क्या है? पेड़ की छांव में, फिर है अत्याचार, ठीक है, ये उदास लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आते हैं कौन? कौन है? आरएस धीर, मतलब रणवीर सेन धीर। कौन है? रणवीर सेन धीर, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके चित्रों को। चलिए पहला है गणेश, ठीक है, दूसरा है काली, तीसरा है सूर्य एवं ज्योतिष, क्या है? सूर्य एवं ज्योतिष। फिर लास्ट है लक्ष्मी, फिर एक और है हनुमान, ठीक है, याद रखना है। अब यहां तक पढ़ लिया, गणेश, काली, सूर्य एवं ज्योतिष, लक्ष्मी, हनुमान, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो क्या है इनके चित्र देख लेते हैं। चलिए पहला है कालचक्र, क्या है? कालचक्र हो गया, या फिर कह दीजिए कला सर्प, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा क्वाट रमी टाट, लिख देते हैं, अजीब सा नाम है इसका, ठीक है, क्या है? क्वाट रमी टाट आर बोरिस, अजीब सा नाम है इसका, ठीक है, क्या है? क्वाट रमी टाट आर बोरिस। फिर है नेक्स्ट टाइम नाइन, क्या है? टाइम नाइन है। एंड फिर आगे संकीर्तन मंडली है, क्या है? संकीर्तन मंडली है, ठीक है। तो ये चार चित्र हैं इनके, ये याद रखना है, क्लियर हो गया। ये टाइम नाइन है, ठीक है। चलिए आगे लास्ट आते हैं आपके, बस यहीं तक आपके उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, तो इनका और देख लीजिए लास्ट में। इनका है पहला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पोर्ट्रेट बनाया है, इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या बनाया है इन्होंने? पोर्ट्रेट बनाया है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इनके बिल्कुल से चारों के चारों रटे होने चाहिए। फिर क्या है दूसरा? पूर्व राष्ट्रपति, कौन? पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का भी पोर्ट्रेट बनाया है, शंकर दयाल शर्मा का भी क्या बनाया है इन्होंने? पोर्ट्रेट बनाया है, याद रखना है। दो हो गए,
तीसरा लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया है, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया है, तीन हो गए। चौथा लिखिए इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू का भी पोर्ट्रेट बनाया है, किसका, जवाहरलाल नेहरू का भी पोर्ट्रेट बनाया है, याद रखना है। ठीक है, तो इन चारों के बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, तो याद रखना है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पोर्ट्रेट, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का पोर्ट्रेट, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट, जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी और हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अरे चलिए आगे हैं, जे एम अहिवासी, क्या है, जे एम अहिवासी हैं, ठीक है, इनके कुछ चित्र हैं, उनको देख लेते हैं, सारे चित्र आपको एक साथ दिए जा रहे हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके चित्र। पहला है मैया मैं नहीं माखन खायो, क्या है, मैया मैं नहीं माखन खायो, किसमें बना है, टेम्परा माध्यम में बना है, ठीक है। दूसरा है फिर कृष्ण नामा विधान, क्या है, कृष्ण नामा विधान है, ये भी जे एम अहिवासी का है। फिर है संदेश वाहक, क्या है, संदेश वाहक है, ठीक। आगे चलते हैं, एक और है स्वामी हरिदास, क्या है, स्वामी हरिदास, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये थे जे एम अहिवासी के, आगे बढ़ते हैं, बस कुछ और हैं, अरे हाँ चलो, फिर है अवतार सिंह पवार, तो इनमें कौन कौन है, सुजाता है, फिर दूसरा वीर माधव सिंह, फिर है नेक्स्ट चित्र हैं ये सारे और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है बुरांस, और फिर है हिल स्कील ऑफ गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन। एक लास्ट लिखिए एम एफ हुसैन का स्केच, किसने बनाया है, अवतार सिंह पवार ने, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है राय कृष्ण दास, तो इनके जो मतलब चित्र तो नहीं है, लेकिन जो है ना इनके कुछ मतलब कहानी संग्रह हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे मतलब खलील जिब्रान के द मैड मैन का पगला शीर्षक से हिंदी का अनुवाद किया है इन्होंने, क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, द मैन मैड का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, लिख देते हैं सबसे पहली बात तो, दी मैन मैड, ये यूपी के लिए है बता रहे हैं, रामकृष्ण स्नेही हैं ये, राय कृष्णदास स्नेही, ठीक है, ये यूपी के हैं, और द मैन मैड इसका जो मतलब हिंदी में अनुवाद किया है, क्या किया है, पगला नाम से किया है, किसने, इन्हीं ने, और ये जो है द मैन मैड ये किसका है, ये खलील जिब्रान का है, किसका है, खलील जिब्रान का, ठीक है, याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं जय कृष्ण अग्रवाल, ठीक है, जय कृष्ण अग्रवाल को देख लेते हैं, इनके जो चित्र हैं, इनके भी चित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जिनके चित्र इंपॉर्टेंट है उतना बताए दे रहे हैं, बाकी जिनका चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है उनको केवल इतना जान लीजिए, ये जो जय कृष्ण अग्रवाल है ना, इनको केवल इतना जान लीजिए, ये प्रधानाचार्य बनते हैं लखनऊ कला विद्यालय के, कहाँ के, लखनऊ कला विद्यालय के ये प्राचार्य बनते हैं, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो पूछा जा रहा है सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, देख लीजिए, पहली मूर्ति का नाम है हे राम, क्या नाम है, हे राम, जो कि कांस माध्यम में बनती है, ठीक है, और नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। फिर है दूसरी मूर्ति
संगीतज्ञों की टोली क्या है? संगीतज्ञों की टोली है। फिर है साइलेंस, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हे राम, साइलेंस और संगीतज्ञों की टोली याद रखना है, ठीक है। यहां तक हुआ, आगे बढ़ते हैं। बस एक और बचे हैं इसके बाद, फिर खत्म। अब इनके कुछ चित्र हैं अवधेश मिश्र के। तो इनका पहला है बिजूका चित्र श्रृंखला। क्या है? बिजूका चित्र श्रृंखला पहला हो गया। एंड दूसरा है फिर ग्राम्य जीवन, ठीक है। क्या है? ग्राम्य जीवन। एंड थर्ड है आपका चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज हो गया, तीन हो गए। चौथा लिखिए बनारस, ठीक है। तो इनके चित्रों में ये आ जाते हैं, चारों याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं तो योगेंद्रनाथ योगी आते हैं। कौन आते हैं? योगेंद्रनाथ योगी, ठीक है। योगेंद्रनाथ योगी आते हैं। इनके बारे में याद कर लीजिए, इनके जो चित्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इनका चित्र खेतीहर का स्वर्ग। क्या है? खेतीहर का स्वर्ग, ठीक है। आगे चलेंगे तो रूप गर्वित हो जाएगा, दूसरा चित्र है इनका रूप गर्वित। फिर नेक्स्ट चित्र है एक समय की बात, एक समय की बात हो गई। और आगे लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत। क्या है? लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, फ्रैंक वैसली की तरफ। कहां चलते हैं? फ्रैंक वैसली की तरफ। फ्रैंक वैसली, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं। तो इनके दो चित्र इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ब्लू मैडोना। क्या है? ब्लू मैडोना है। और दूसरा है क्षमा पिता। क्या है? क्षमा पिता, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया तो आपके यहां से, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट चलते हैं। फिर क्या है? श्रीधर महापात्र। अब इनको देख लेते हैं तो इनका भी कुछ नहीं पूछा जाता है। इनका एक मूर्ति शिल्प है जो पूछा जाता है कि पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव, मतलब शिव और सती, ये काष्ठ माध्यम में है, किसने बनाया है? तो ये श्रीधर महापात्र ने बनाया है। क्या है? पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव, ठीक है। संग्रह कहाँ है इसका? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है, ठीक है। और फिर मार, जो कि गौतम बुद्ध का, मतलब प्रेम का देवता, जो मार है वो प्रेम का देवता है, इसमें गौतम बुद्ध का अंकन दिखाया गया है, ये भी किसने बनाया है? तो ये भी महापात्र ने बनाया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए तो फिर क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आप हमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स पे छाप के बताएंगे कि आपको जो ये क्लास पढ़ाई है हमने, ये क्लास कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी है कि नहीं लगी है। अगर लगी है ना तो फटाफट से सभी तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो बाकी आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए फिर ऑफ करते हैं। और देखिए एक चीज़ और बता दें, इसके बाद है ना हम आपको जो है, मतलब क्या बोलते हैं, आपको राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान हैं ये, और भी मतलब उत्तर प्रदेश की विभिन्न कला शैलियां हैं, इनको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर ऑफ करते हैं क्लास को।